बदलाव इस प्रकृति का एक निश्चित नियम है, हम सभी लोग इसको जानते हैं। कठिन समय के बाद अच्छा समय निश्चित आता है। हम लोग भी एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इसी कठिन दौर में कुछ सकारात्मक खबरें आप सभी लोगों के लिए निकल के बाहर आ रही हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित खबरें पिछले 3 दिन से आप सभी लोगों को मिल रही हैं। मेन खबरों पर स्थिति आप लोगों की स्पष्ट करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इसकी वास्तविक जो स्थिति है उसको आपके समक्ष स्पष्ट कर सकूं। अब इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को इस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे आपकी योग्यता क्या है, आयु क्या है, परीक्षा की संभावित तिथियां क्या है और पाठ्यक्रम क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी दूंगा। जब भी मैं संभावित तिथियों के बारे में आप सभी लोगों से बात करता हूं तो आप देखते हैं कि वो तिथियां एकदम आपकी स्पष्ट रूप से सही निकलती हैं। इसका उद्देश्य केवल यही है कि आप किसी भी भ्रम की स्थिति में ना रहें और निश्चित समय पर आप सभी लोग सचेत हो जाएं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने की मीडिया प्रशाखा ने परसों यह स्पष्ट किया कि राजस्व परिषद द्वारा 5000 लेखपाल के पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव से प्राप्त हुआ है, जिसके अध्याचन को सरकार को भेजा जा चुका है और लॉकडाउन खुलते ही तुरंत इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। काफी दिनों से खबरें मिल रही थी कि राजस्व परिषद स्वयं इस भर्ती प्रक्रिया को करवाना चाहती है, लेकिन अब राजस्व परिषद ने पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भेज दिया है। तो अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपकी लेखपाल की वैकेंसी आ जाएगी और आपको अब इस विषय में सोचना प्रारंभ कर देना चाहिए। आप पिछले 2 दिन से जो भी महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं प्रदेश के, उन सभी समाचार पत्रों में इस परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारियों को देख रहे हैं। इस परीक्षा में थोड़े बहुत बदलाव भी किए गए हैं जो कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जैसे कि आपने देखा है कि इस तरह की खबर जो है छपी हुई है, लॉकडाउन के बाद 5200 लेखपालों की भर्ती होगी। यह तो हिंदुस्तान की खबर है, लेकिन हिंदुस्तान, अमर उजाला सहित जितने भी प्रदेश के बड़े बड़े अखबार है उनमें स्पष्ट रूप से खबर आई है। तो इस संकट की स्थिति में, इस कोरोना काल में यह सकारात्मक खबर है आपके लिए। यह एक लक्ष्य के रूप में आप लीजिए और अभी से सचेत हो जाइए इस परीक्षा की तैयारी के लिए। लेकिन आप लोगों को बहुत सारे भ्रम की स्थिति से भी बचना है और भी चीजों से सचेत रहना है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहले तो इस परीक्षा पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपकी संभावित तिथि है इसके फॉर्म आने की, वो संभावित तिथि जो आपकी होगी वो 15 से 20 मई होगी। 15 से 20 मई में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा और निश्चित रूप से आपको 1 माह का समय मिलेगा इसके फॉर्म को भरने के लिए, या 1 माह से अधिक का ही समय मिलेगा, है ना। आयु की जो गणना है वो 18 से 40 वर्ष है और इसकी जो योग्यता है वो 10+2, इसका मतलब आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है इसकी योग्यता के लिए। मतलब 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो योग्यता है वो क्या है, 12वीं है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि अभी 15 से 20 मई के बीच में तो पहले फॉर्म आएगा, इसका मतलब है जून के अंतिम समय तक या जुलाई के पहले सप्ताह तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी आपको बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा कि गली कूचे में छोटी छोटी कोचिंगों ने इश्तेहार लगा के शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी उनके पास कोई काम नहीं है, है ना। तो आपको इन स्थितियों से बचना है, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। पर्याप्त समय आपके पास इस परीक्षा के लिए है। अभी से अगर हम लोग देखें तो लगभग 4 महीने से 5 महीने का समय आपको निश्चित रूप से इस परीक्षा में मिलेगा। मैं परीक्षा की भी संभावित डेट पर थोड़ी देर बाद बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब अगर हम इसके पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो देखिए, 25 प्रश्न या नंबर, एक प्रश्न एक नंबर का होता है परीक्षा में, 25 प्रश्न या 25 नंबर का सामान्य हिंदी, 25 गणित, 25 सामान्य ज्ञान। इसमें सामान्य अध्ययन नहीं होता है, सामान्य ज्ञान होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स समसामयिकी से संबंधित होते हैं इस 25 में। इसके अलावा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जो आपके चयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो उत्तर प्रदेश विशेष, राजस्व विविध, मतलब राजस्व से संबंधित जो विविध जानकारियां आपसे पूछी जाती हैं, ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रश्न आपके बनते हैं, और ग्रामीण परिवेश एवं सामाजिक विकास, ग्रामीण परिवेश एवं समाज से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, 4 भाग, ये 4ों भाग आपसे 25 नंबर में पूछे जाते हैं। चूंकि ये आपके किसी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहां पर गलती होने की गुंजाइश आपसे ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो गणित के जो 25 प्रश्न हैं, इसमें से 7 प्रश्न आपके 7 नंबर के प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके रीजनिंग से जुड़े हुए होते हैं।
तो मैं आपको बता दूं, यह पूरा 25 नंबर का सेगमेंट मैं स्वयं आपको तैयार कराऊंगा, जो कि थोड़ा सा कठिन भी होता है और आपके लिए एक चुनौती भी पूर्ण भी होता है। तो आसानी से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको पढ़ना है, और इसकी पूरी क्लासेज लगभग 30 क्लासेज मैं आपको दूंगा। और 7 नंबर अगर हम इसको देख लें, 25 नंबर इसको देख लें, और 10 नंबर का करंट अफेयर्स देख लें, तो 10, 25 और 7 लगभग 42 नंबर का जो है आपका यहां से जो पाठ्यक्रम है वो मैं स्वयं आपको कवर कराऊंगा। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि 42 में से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये आप बेफिक्र रहिएगा। लेकिन अभी बिल्कुल भी हड़बड़ाने की स्थिति आपकी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसकी संभावित जो परीक्षा तिथि अभी निकल के सामने आ रही है वो अगस्त से सितंबर, इसका मतलब या तो अगस्त का लास्ट सप्ताह हो सकता है, अंतिम सप्ताह, या सितंबर के पहले दूसरे या तीसरे सप्ताह में परीक्षा हो सकती है, क्योंकि सितंबर और अगस्त से पहले इस परीक्षा को कराना संभव आपका नहीं है। तो अभी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन इसका फॉर्म आएगा, जिस दिन इसका फॉर्म भरा जाना शुरू होगा, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे वादा करता हूं, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा, सबसे मजबूत और सबसे सफल बैच इसी संस्थान द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर इसी प्लेटफॉर्म पर हम सभी लोग सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ आपको लेखपाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे हमने इससे पहले के सभी बैचेज में जबरदस्त मेहनत की है, हम इस बैच में भी जबरदस्त मेहनत करेंगे। इस संकट के समय में अभी बहुत सारा समय ऐसा है कि जहां पे आपको घर से नहीं निकलना है, आपको ऑनलाइन घर में बैठे तैयारी करनी है, तो आप छोटी छोटी चीजों से परेशान ना हो। छोटी छोटी बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो आपको बरगला रहे हैं, कोई 499 में, कोई 399 में, कोई 700 में, आप पैसा और समय यहां पर दोनों ही बर्बाद करेंगे। आप इन चीजों से बचिए और इंतजार करिए। अगर 15 से 20 मई के बीच में फॉर्म आता है तो सबसे सशक्त, सबसे मजबूत और ऐसा बैच जिसकी सफलता की दर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होगी, मैं वादा करता हूं यही संस्थान आपको प्रोवाइड करेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहने की जरूरत है, सचेत रहिए, लेकिन भ्रम की स्थिति में आके कहीं परेशान मत होइए। मैंने कहा कि एक ऑथेंटिक वीडियो बना के समाचार में आपको प्रदान करूं या खबर में आपको प्रदान करूं, जिसलिए आप परेशान होना बंद करें। अभी फॉर्म आएगा, फॉर्म की डेट आएगी, उसके बाद 2 से 3 महीने का वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपको समय दिया जाएगा। तो उम्मीद लगा के चलिए कि 15 मई के आसपास आपके संस्थान में इसका बैच निश्चित रूप से प्रारंभ होगा। अभी आप इन्हीं जानकारियों के साथ रहिए। इसी क्रम में जब मैं अगला वीडियो इसका बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के किस भाग में आपको कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है, ताकि आप अगर घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उन टॉपिक्स को क्या कर सके, क्लियर कर सके। बाकी अगर कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात कहिए। अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम जल्द ही कोरोना को हराएंगे और सफलता के नए झंडे गाड़ेंगे। देश भी संकट से उभरेगा, हम भी संकट से उभरेंगे, और निश्चित ही समय पहले जैसा सामान्य और अच्छा होगा। अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।